आज जो है मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ सुजुकी स्विफ्ट का कंप्लीट रिव्यू। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी महीनों बाद मुझे इस गाड़ी पे हाथ पड़ा है। उसकी वजह यह है कि ऑटोमोल में गाड़ी आई हुई है और मुझे किसी और शोरूम में जाने की ख्वाहिश नहीं करनी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये है सुजुकी स्विफ्ट DLX टॉप ऑफ द लाइन फुली लोडेड, जिसकी प्राइस होती है 15-10 इनवॉइस, दैट इज 15,10,000 पाकिस्तानी इनवॉइस की प्राइस है। सुजुकी स्विफ्ट का जो इंजन है वो 1.3 लीटर ड्यूल ओवर कैम इंजन है, 16 वेल्व VVTi टेक्नोलॉजी, जो कि 90 हॉर्स पावर एट 6000 RPM एंड 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट ओनली 4000 RPM। हैचबैक होने के नाते आप ये बात ज़रूर समझेंगे कि इसकी जो फ्रंट एंड रियर सीट की लेग रूम स्पेस है वो अच्छी नहीं होंगी, मगर यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। काफ़ी अच्छी लेग रूम और हेड रूम स्पेस है बोथ फॉर द फ्रंट एंड द रियर सीट्स। DLX जो कि टॉप लाइन वेरियंट है, उसमें हमारे पास 15 इंच के एल्युमिनियम एलॉय रिम्स आते हैं विद योकोहामा टायर्स। आगे की जो लाइट्स हैं वो कुछ खास नहीं, हैलोजन हेडलैम्प्स हैं। DLX में हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड फॉग लैंप्स मिलेंगे और एक क्रोम गार्निश ग्रिल। सिंप्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा है सुजुकी स्विफ्ट DL और DLX में, दोनों में हमारे पास सेम रियर टेल लाइट्स मिलेंगी विद द फिलामेंट बल्ब्स, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स विद ABS जो कि अच्छा फीचर है। गाड़ी के डोर पैनल्स और फ्रंट डैशबोर्ड में हमारे पास हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुई है जो कि फेयर है। ग्लॉसी पैनल्स जो कि DLX में आएंगे हमारे पास। और अच्छी बात यह है कि चारों पावर विंडोज हमारे पास मौजूद हैं। ड्राइवर की जो पावर विंडो है फुली ऑटोमेटिक है। साइड मिरर कंट्रोल, छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट और फैब्रिक सीट्स। सुजुकी स्विफ्ट में हमारे पास लॉक अनलॉक रिमोट की सिस्टम आता है। गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ खास नहीं है, हार्ड प्लास्टिक यूज हुई है, मटेरियल्स आर वेरी फेयर। 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, काफी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। तो लुकिंग ऑन द ओवरऑल इंटीरियर, आई थिंक के प्राइस 15,10,000 इनवॉइस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यार पिकअप गाड़ी का अच्छा है, 1300cc इंजन है, कॉम्पैक्ट कार है, तो यू कैन नॉट डाउट अपॉन इट्स पिकअप और स्पीड। मगर जो इंटीरियर क्वालिटी है, डैशबोर्ड है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है, वो काफ़ी फेयर है। आई थिंक कि उन लोगों को काफ़ी एडिशनल फीचर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुजुकी है भाई। छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, 2 फ्रंट कप होल्डर्स हैं और ये हमारे पास सिगरेट लाइटर। तो सुजुकी स्विफ्ट में हमारे पास 2 गियरबॉक्स आते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल, मैनुअल हैंड ब्रेक। पीछे की लेग रूम स्पेस और हेडरूम स्पेस, देखो भाई हेडरूम स्पेस की अगर बात है तो आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा फर्क है, मगर लेग रूम जो है थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू द वेरी फ्रंट सीट्स, मगर काम चल जाता है। जो लोग 5'7" है, 5'8" है, 5'9" है तो आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है 5, मगर अगर कम्फर्टनेस लेवल की बात है तो आई थिंक सिर्फ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास स्पेस नहीं है फॉर द रियर सीट्स। रियर आर्मरेस्ट नहीं है, ना ही तो कप होल्डर्स। लाइटर और स्मोकर पैकेज है। 43 लीटर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और 1.3 लीटर होने के नाते ये आपको 10 से 14 देगी इन सिटी एंड हाईवे। मैंने बहुत ही दिनों बाद एक बहुत ही तमीज़ का रिव्यू कर रहा है, क्योंकि वरना तो मैं ब्लॉग ही कर रहा था, कंपेरिजन कर रहा था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक माई न्यू फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर द टाइमिंग टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।